दोस्तों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ ऐसा क्या हो गया कि जिसको देखने के बाद भैया दबंग खान के दीवाने दबंग खान से ये बात कहते नजर आ रहे कि अरे भाई जान इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, आप पहले अपनी फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज कर दो, हम आपकी फिल्म को पहले जाकर सिनेमाघर में देख लेंगे, उसके बाद जब आप ये काम करोगे तो भैया हम उसको भी अप्रिशिएट कर देंगे। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है देरी इस फिल्म के साथ में जिसको देखने के बाद दबंग खान के दीवाने निराश हो रहे हैं इस फिल्म को लेकर, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इसी महीने की 21 तारीख को या ईद के शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एक शानदार ग्लिम्स, इस फिल्म का एक शानदार टीजर, इस फिल्म के चार गाने बैक टू बैक लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसको देखने के बाद दबंग खान के दीवाने ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भैया ये फिल्म सिनेमाघर में आकर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी। यानी कि इस फिल्म को जिस तरह का सपोर्ट मिला है उसको देखने के बाद भैया बॉलीवुड के जाने माने लोग भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं इस फिल्म को लेकर कि भाई एक बार फिर से ईद के मौके पर सलमान खान का जलवा सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। तो भाई ये बात तो सत्य है कि जब ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होगी तो भैया ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारकर तबाह तोड़ बिजनेस करने वाली है, लेकिन भाई ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, बिजनेस भी करेगी, टीजर भी आ गया, गाने भी आ गए, ट्रेलर क्यों नहीं आया भाई, अभी तक ट्रेलर क्यों नहीं आया। यानी कि भैया इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो इतना करीब आ गया है कि उसको लेकर भैया अब इस फिल्म के जो दीवाने हैं ना ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के दबंग खान से कि भाई जान इतनी देरी क्यों, इतनी देरी क्यों। अगर आप इतनी देरी कर ही रहे हो तो पहले आप अपनी फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज कर लो, हम आपकी फिल्म को देख लेंगे और आपकी फिल्म को देखने के बाद हम इस फिल्म के ट्रेलर को देखेंगे और बोलेंगे भाई क्या फिल्म हम लोगों ने सिनेमाघर में देखी जिसका ट्रेलर अब आया मेरे भाई, अब आया। मतलब कि यह नाराज हो रहे हैं दबंग खान के दीवाने दबंग खान से कि भाई जान देरी अच्छी नहीं है, आपके इस फिल्म का हाइप आपके इस ट्रेलर के आ जाने से और बढ़ेगा। और भाई ये बात बिल्कुल सही है कि भैया पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं कि भैया दबंग खान की आने वाली इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो काफी करीब आ चुका है और अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर नहीं लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस ट्रेलर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है बॉलीवुड के गलियारों से कि भैया इस ट्रेलर को एक दो दिन के अंदर नहीं, मतलब 4-5 दिन बाद अभी से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। यानी कि अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है कि ये ट्रेलर जो है वो ना तो आज रिलीज होगी, ना तो कल होगी, ना तो परसों होगी, ना तो नरसों होगी, ना तो तरसों होगी, यानी कि भैया होगी 10 अप्रैल को ये ट्रेलर जारी किया जा सकता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वैसे दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया दबंग खान की आने वाली इस फिल्म में दबंग खान के साथ कई सारे कलाकार नजर आने वाले हैं। यानी कि भैया इस फिल्म में दबंग खान के साथ नजर आएंगे वेंकटेश दग्गुबत्ती, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी और विनाली भटनागर। यानी कि भैया इतना लंबा चौड़ा कास्ट एंड क्रू है इस फिल्म का, तो भैया जिसको देखने के बाद दबंग खान के दीवाने ये बात कह रहे हैं कि भैया फिल्म तो हम सिनेमाघर में जरूर देखने जाएंगे लेकिन उससे पहले इस फिल्म की कुछ झलकियां तो हमें दिखा दीजिए ताकि भैया इस फिल्म को लेकर हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाए। तो भैया हम तो यही अपील करेंगे दबंग खान से कि भाई साहब 10 तारीख जो आप इस फिल्म के ट्रेलर को लिए सोच रहे हो ना वो थोड़ा सा देरी हो रहा है सर, आप 7 या 8 या 6 को ही लॉन्च कर दो, अरे झटके में आज ही बता दो कि कल ही ये ट्रेलर आप लोगों के सामने आने वाला है। तो भैया जितनी जल्दी ट्रेलर आपका आएगा उतना ही ज्यादा आपका हाइप बढ़ेगा ना फिल्म का। तो भाई वाकई में जो ये बात दर्शक कहते नजर आ रहे हैं कि भैया पहले फिल्म ही रिलीज कर दो बाद में हम ट्रेलर देख के उसकी भी तारीफ कर देंगे, ये तो पहले रिलीज करो ना सर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।